हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th। मैं दिनेश, आप देख रहे हैं दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हमारे स्कूल लाइफ में भी हो चुकी है। क्लास 9th में भी हम सब प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, वो बेसिक था, बट क्लास 10th में उसका एडवांस लेवल पढ़ना है। हालांकि प्रोबेबिलिटी क्लास 9th 10th तक ही नहीं पढ़ना है, आगे चल के ये खुद में एक वास्ट टॉपिक हो जाता है। स्टैटिक्स में ये पढ़ना पड़ता है। छोड़िए वो सब बातें, आगे की बात है, आगे देखा जाएगा। बट अभी जो मैं और मेरा इस वीडियो का उद्देश्य है, आपको प्रोबेबिलिटी से परिचित कराना, वो सारे टॉपिक, वो सारे टर्म जिसे क्लास 10th में हम सब पढ़ा है, उसे एक बार रिवाइज करते हुए यहाँ पे चैप्टर को कनेक्ट करना। इस वीडियो लेक्चर में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, वो है कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, या एनसीईआरटी से हो या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जो एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए कुछ टर्म को, भूले बिसरे टर्म को याद करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है ना, प्रोबेबिलिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आप देख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर्स द अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का मेजरमेंट यूजिंग मैथमेटिक्स। आप अपने शब्द में इसको ऐसे बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इस तरह से भी आप बोल सकते हो ना, जैसे कोई अपने सिक्का उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, आप लूडो खेल रहे हो, उसमें सिक्स आएगा, वन आएगा, इसका क्या संभावना है ना, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड आउटकम। आउटकम मतलब परिणाम, परिणाम क्या आ रहा है ना, उस परिणाम को मेजर करने के लिए यूजिंग मैथमेटिक्स, उस कॉन्सेप्ट का नाम प्रोबेबिलिटी है। ये डाइस दिख रहा है, डाइस, रोलिंग ऑफ, रोलिंग अ डाइस, यहाँ पे डाइस होगा, रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस एंड गेटिंग 14, ये क्या इम्पॉसिबल है। इवन चांस मतलब इक्वल चांस, अगर हमने एक क्वाइन को टॉस किया, वो हेड आएगा, इसका क्या संभावना है। हाफ हाफ मतलब इवन, इक्वल इक्वल समय, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, मतलब इवन, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। सन विल राइज, सूरज उगेगा ही, ये क्या है सर्टेन। आप प्रोबेबिलिटी संभावना तीन तरह से हो है ना, एक इम्पॉसिबल, किसी हमने डाइस को रोल किया उसमें 14 आने का, 14 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, आप बोलोगे 14 आने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्यों, डाइस में 1 से 6 तक ही आता है, इसलिए क्या हो गया इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। दूसरा इवन चांस मतलब इक्वल चांस, इक्वल चांस, हेड नहीं तो टेल। सन विल राइज इन द ईस्ट, सन विल राइज, सूरज उगेगा, इसका क्या सर्टेन है ना। पॉसिबल आउटकम, कौन सा आउटकम पॉसिबल, द चांस डेट समथिंग विल हैपन, कुछ ना कुछ संभावनाएं होने का, उसी को क्या बोलेंगे पॉसिबल आउटकम। आउटकम मतलब परिणाम, परिणाम। वी कैन यूज वर्ड सच एज इम्पॉसिबल, अनलाइकली, पॉसिबल, इवन, चांसेस, लाइकली, अनसर्टेन, ये सारे टर्म भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इट इज लाइकली टू रेन टुमारो, ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि कल बारिश होगी। एज अ नंबर प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम 0, जो इम्पॉसिबल होगा उसका आने का संभावना क्या है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आने का संभावना नहीं है, इट मीन्स 0। अगर कोई सर्टेन है, आएगा ही आएगा,
तो क्या हो गया, वन। जैसे हमने एक क्वाइंट को टॉस किया, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो इसका क्या संभावना है कि हेड आएगा या टेल आएगा? 100% ना, क्या संभावना है? 100% इसका मतलब क्या? 100% जिसका संभावना उसको क्या बोलते हैं? वन। जिसका कोई संभावना नहीं है उसे क्या बोलते हैं? जीरो। बात समझ में आया? अब ट्रायल क्या होता है? ट्रायल इज व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। जब कोई सा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड होता है, जैसे टॉसिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन, ये क्या है? ट्रायल है एक तरह का। रोलिंग रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाई, डाई भी बोल सकते हो ना। इट इज नोन एज इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। इसी को इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी एक टर्म है। ए ट्रायल इज व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं? इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ये सर टर्म आपको याद आ रहा होगा, कब? जब क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा गया था। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका रिवाइज करा दूं, ये सब टर्म यूज होगा, क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सब पीपीटी बनाया गया है ना। आउटकम, एन आउटकम इज ए रिजल्ट, मैंने पहले भी बता रखा है। आउटकम मतलब परिणाम। जैसे आपने डाइस को रोल किया, आपने एक डाइस को रोल किया, रोल करने के बाद वो सिक्स आ गया ना, ऊपर में वन आ गया, तो वन क्या है? वन आउटकम है। अब जो डाइस को रोल किए हैं, ये एक्टिविटी है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बोलते हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट, एन इवेंट इज ए सेट ऑफ आउटकम। इवेंट कोई सेट ऑफ आउटकम है। सेट को जनरली इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ये क्या हो? इवेंट हो गया। एन इवेंट इज ए सेट ऑफ आउटकम। जैसे हमने डाइस को रोल किया, क्या क्या आने का संभावना? एक दो तीन चार पाँच छः, छः से ज़्यादा नहीं आएगा ना, इट मीन्स क्या? इवेंट हो गया। वेन वी रोल अ डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन फाइव। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर लेस देन फाइव ही आए? वो नंबर लेस देन फाइव में क्या? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, बट पांच नहीं। क्यों? नंबर लेस देन बोला है, पांच से कम। एन इवेंट कैन हैव अ सिंगल आउटकम। कोई सा भी इवेंट का सिंगल आउटकम भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हर बार ज्यादा ही आउटकम हो, सिंगल आउटकम भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा ट्रायल, ट्रायल के बाद आउटकम, आउटकम के बाद इवेंट। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना है वो है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है आपका? एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जिस एक्सपेरिमेंट का, जिस एक्टिविटी का एक ही परिणाम हो उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं ना। ये एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, वन ट्रायल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हैज टू पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल। फॉर एन इंडिविजुअल इट हैज ओनली वन आउटकम, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अगर हमने किसी क्वाइन को टॉस किया, किसी क्वाइन को टॉस किया, या तो ये हेड आएगा नहीं तो दूसरी बार ये टेल आएगा, तो ये क्या संभावना है? हेड नहीं तो टेल आएगा, हेड नहीं तो टेल। इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ये तो एक ही हुआ ना, या तो बोल रहा है हेड आएगा नहीं तो टेल, वो ये नहीं बोल रहा है कि हेड ही आएगा। देखो हिंदी में, इंग्लिश में और एंड में अंतर है, या और एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट दैट हैज नो चांस ऑफ अकरिंग, जिसका कोई संभावना नहीं है वो अकर होगा ही, उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। जैसे कि हमने कोई डाइस को रोल किया, उस पे सेवन या एट आने का प्रोबेबिलिटी कितना? सेवन या एट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि डाइस में एक दो तीन चार पाँच छः तक ही आता है, सिक्स
सेवन आने का प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है श्योर इवेंट, एन इवेंट दैट हैज 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, जिस एक्टिविटी में संभावना है एकदम श्योर एंड सर्टेन 100% आ ही जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं श्योर। और श्योर प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, वन होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज वन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। What is the probability that a number obtained after throwing a die is less than 7? ऐसा क्या संभावना है अगर हमने डाइस को रोल किया है तो वो आउटकम जो रिजल्ट आएगा वो 7 से कम ही आएगा, वो श्योर एंड सर्टेन है हर बार 7 से कम ही आएगा क्योंकि उस पर डिजिट ही 7 से कम लिखा रहता, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितना हो गया 6, टोटल 6 है और आउटकम भी 6 है, टोटल 6 आउटकम 6 कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0। ये दो टर्म याद कर लें। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड टू एन इवेंट एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट दैट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मतलब एक ही एक्टिविटी को बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए। जैसे कि एक क्वाइन है, इसी क्वाइन को दो बार तीन बार टॉस किया जाए और हर बार इसका आउटकम नोट किया जाए। जैसे हमने फर्स्ट बार इसे क्वाइन को टॉस किया तो ये फर्स्ट बार में हेड आ रहा है, सेकेंड टाइम में टेल्स आ रहा है, थर्ड टाइम में टेल्स आ रहा है, फोर्थ टाइम्स में हेड आ रहा है। तो ये क्या, एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ ट्रायल वेयर द इवेंट अकर, जितना बार आउटकम आया है, आउटकम इन फेवर, हम जो चाह रहे हैं वो आउटकम कितना बार आया है, डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना, उसी को एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ द इवेंट कितना होता है, अगर हमने कोई सा भी एक्टिविटी किया है तो सारा इंडिविजुअल एक्टिविटीज का आने का सम कितना होगा, प्रोबेबिलिटी का आने का सम ऑलवेज वन। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेंज किस किस में, हमेशा प्रोबेबिलिटी या तो जीरो से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो। द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, इंक्लूसिव जीरो एंड वन, जीरो भी होगा और वन भी होगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है जीरो ग्रेटर और इक्वल टू, ये इक्वल टू पी से प्रोबेबिलिटी और ई से इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन और इक्वल टू वन, यहाँ पे दो साइन दिया हुआ है, लेस देन का भी और इक्वल टू का भी ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, अगर दो प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे वन आ जाए देन ई एंड ई डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, जैसे कि एक क्वाइन में हेड आने का संभावना और टेल आने का संभावना, कितना दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना वन,
हीट आने का संभावना भी हाफ है और टेल्स आने का संभावना भी हाफ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वन आ जाएगा। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड एंड टेल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इवेंट ई डैश, इसे ई डैश भी पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटिंग नॉट ई, ई आने का संभावना नहीं है, ई कोई फेवरेबल आउटकम है जो लाना है। जैसे क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड, और टेल के लिए क्या बोल सकते हैं, हेड पे डैश, हेड नहीं आने का संभावना ये हुआ। हेड अगर आने का संभावना लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एच, और नहीं आने का संभावना उस पे एच डैश लिख रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। तो वोटिंग में, इलेक्शन में इसका यूज होता है ना, इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कौन जीतेगा। जैसे फ्लिपिंग अ क्वाइन, क्वाइन टॉस करने पे अनुमान लगाया जाता है कौन किसके फेवर में क्वाइन आएगा। जैसे ये इसे देख लीजिए, टॉसिंग अ क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन क्या कर रहा है, ये 10 का या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, क्या है 50-50% चांस है, तो इसे क्या बोलते हैं, इवन। हेड और टेल टू आउटकम, क्वाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम, टॉसिंग अगर दो क्वाइन को टॉस करेंगे, अगर वन क्वाइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और दो क्वाइन को आपस में टॉस करेंगे तो फर्स्ट बार में क्या आएगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा ना। नंबर ऑफ क्वाइन टॉस इक्वल टू 2 to the power n आउटकम, अगर हमने दो क्वाइन को टॉस किया है तो 2 पे पावर 2 इक्वल टू कितना, 4 हो गया। अगर 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो 2 पर पावर 3 कितना, 8। अगर 4 क्वाइन को टॉस करेंगे, जितना क्वाइन को टॉस करेंगे उतना पावर लिख देंगे, उतना पावर लिखा जाएगा। जैसे जैसे 4 क्वाइन को टॉस किए हैं तो कितना, 16। 5 क्वाइन को टॉस किया जाएगा, 2 to the power 5 इक्वल टू कितना, 32। अगर 1 क्वाइन को टॉस किया जाएगा तो 2 to the power 1 कितना, 2 आउटकम ना। तो इसे बात ध्यान में रखिएगा, जब भी 2 क्वाइन को टॉस किया जाएगा तो टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम 4, और इसी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। टॉसिंग 3 क्वाइन, जैसे 3 क्वाइन को टॉस किया जाएगा, हमने पिछले स्लाइड में बताया 2 पर पावर कितना, 3 इक्वल टू 8। इस तरह से आएगा, या तो टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा। इसे लिखने के लिए आप ऐसा कीजिए, जैसे टोटल कितना है, 8 है ना, तो फर्स्ट बार में हेड 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 चार चार लिख दीजिए, टेल 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 चार चार लिख दे, उसके बाद दो दो कीजिए, दो दो कीजिए, हेड लिख दिए यहाँ पे, हेड लिख दिए, फिर टेल लिख दिए, टेल लिख दिए, फिर हेड लिख दिए, दो हेड लिख दिए, दो टेल लिख दिए। नेक्स्ट बार में क्या करेंगे, नेक्स्ट बार में एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो एक भी आउटकम आपका मिसिंग नहीं होगा। जैसे फिर से मैं लिख के बता दूं, अगर 4 क्वाइन को टॉस करना है, 4 क्वाइन को टॉस करना है तो टोटल कितना, 16। इसका लिखने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पे 16 है तो 8 हेड लिख दो, 4 5 5 5 6 7 8, 8 हेड लिख दिया, 8 टेल लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। उसके बाद 8 4 4 कर दो, 4 हेड
फोर टेल, फिर फोर हेड, फिर फोर टेल, फोर लिखे तो उसके बाद टू टू कर दो, टू हेड टू टेल, टू हेड टू टेल, टू हेड टू टेल, टू हेड टू टेल। नेक्स्ट में क्या करोगे, एक एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड, इस तरह से आप इस तरह से लिखोगे ना तो आपको एक भी टर्म मिस नहीं होगा। एज ए स्टूडेंट हम आपकी परेशानी को समझते हैं, कितना परेशानी झेलना पड़ता है जब टोटल आउटकम लिखना पड़ता है तब। तो आप हमें थ्री वाला लिख के बताइए, तो वेन अ थ्री क्वाइन इज टॉस, टोटल आउटकम, आउटकम लिखना है कब, जब थ्री क्वाइन को टॉस किया जाएगा, थ्री क्वाइन को टॉस किया जाएगा। तो आप ऐसे लिखे ना, थ्री क्वाइन को टॉस करने पे टोटल आउटकम कितना, टू पे पावर थ्री इक्वल टू एट, एट टोटल आउटकम है। इसमें से चार बार आप हेड लिख दीजिए, चार बार हेड लिख दिए, चार बार टेल्स लिख दीजिए। अगली बार क्या करेंगे आपको मालूम ही है, क्या किए का किया जाएगा, क्या किया जाएगा ना, अगली बार क्या किया, दो हेड लिखिए फिर दो टेल लिखिए, दो हेड लिखिए दो टेल लिखिए ना। फिर अगली बार क्या करना है, अगली बार क्या, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। आप देखिएगा इस तरह से लिखने पे ना एक भी टर्म मिस नहीं हो रहा है, नहीं तो लिखने में मिस हो जाता है, कौन सा क्या लिखे क्या लिखे। इसमें देखिए ना, टोटल हेड आ गया, टोटल आउटकम, यही बताया गया। इसमें सैंपल स्पेस टोटल कितना है, एट है। रोलिंग अ डाइस, जब डाइस को रोल किया जाएगा तो टोटल आउटकम 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6। जब दो डाइस को रोल किया जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, उसके बाद लिखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसके साथ 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 लिखना शुरू कर दो, वन वन, वन टू टू, वन थ्री थ्री, वन फोर फोर, वन फाइव फाइव, वन सिक्स सिक्स। नेक्स्ट में क्या, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, इस तरह से लिखते लिखते टोटल 36 आउटकम हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक डाइस एक क्वाइंस, इससे रिलेटेड पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज के लिए इतना ही, देखिए एक बार फिर आप इसे देख सकते हैं, क्वाइन प्रोबेबिलिटी और फिर डाइस प्रोबेबिलिटी, ये जो मैं ये जो टेबल बताया हूँ इसे ध्यान में रखिएगा किस तरह से लिखा जाता है। दो क्वाइन को भी टॉस करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, दो क्वाइन को टॉस करने के लिए टोटल कितना, फोर, तो इसमें से दो हेड लिख दीजिए, दो टेल लिख दीजिए, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, आ गया। इस तरह से लिखोगे तो मिस नहीं होगा एक साथ।